गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया रेडर, जो कि इस 125 सेगमेंट में बहुत ज़्यादा धमाल मचाई हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा बनारस टीवीएस वालों को, जो लोग मुझे बाइक प्रोवाइड किए। इनफैक्ट ये बाइक अवेलेबल भी नहीं था, फिर भी इन लोगों ने मेरे लिए बाइक अरेंज की, तो ये बहुत अच्छा बात इन लोगों का लगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल और सारा कुछ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो कोई भी वाराणसी से मेरे भाई लोग हैं, वो लोग आप यहाँ इन लोग से कॉन्टैक्ट करके आप बाइक ले सकते हैं। और सबसे पहले बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ये आती है 1,03,000 की। और तो चलिए कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और यहीं पे मिल जाता है पेटल डिस्क 240 mm का ट्यूबलेस टायर। और इसका जो सेक्शन है वो है 80-117, और अलॉय व्हील है इसमें। और इन लोगों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये BS6 नॉर्म्स है, ये कैटलिटिक कन्वर्टर। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो मीटर कंसोल है वो फुली इक्विप्ड है। और इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट है। गियर इंडिकेटर, क्लॉक और इको पावर मोड, RPM रेंज, हेलमेट रिमाइंडर, आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। ये देखिए, याद है कि इसमें फ्यूल रेंज भी बताएगा कि आप कितने पेट्रोल में अभी आपकी बाइक और कितनी चलेगी। कलरफुल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी इसमें मिलता है, और यह डिजिटल फ्यूल गेज। और इसमें यहाँ से ये टॉगल कर सकते हैं आप लोग इको और पावर मोड, आप लोग देख सकते हैं ये। और इसका फिट एंड फिनिश एज सच उतना कुछ अच्छा नहीं है, बट हाँ ओके है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़ किया इन लोगों, यहाँ पे ये USB चार्जर भी दिया हुआ है, जब आप लोग बाइक लेंगे तो ये इन लोग तब प्रोवाइड करेंगे। और इसका जो फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है, और ये देखिए फाइबर है, और यहाँ पे देखिए 3D TVS की बैजिंग है, और फिर ये यहाँ पे देखिए राइडर का यहाँ लोगो है। और वहीं पे रियर टायर की बात कर ली जाए, तो ये अलॉय है, इसमें भी ट्यूबलेस टायर है, और ये इसका जो सेक्शन है वो है 100-90-17। और गाइस, जो पीछे इन लोगों ने टेल टाइडी में यूज़ किया लाइट, वो LED है, और देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा आई कैची लग रहा है। और गाइस, यहीं से की से ये खुल जाता है पीछे वाला सीट, और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। और अब आप लोग को एक बार हम ऑन करके भी दिखा देते हैं, देखिए कितने साइलेंट वे में ये स्टार्ट हुई है। और इसका जो मफलर का टिप है, ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा फिट एंड फिनिश इसका भी है। और इसका साउंड आप लोग सुनिए, एग्जॉस्ट नोट, आप लोग को ये फुटपैक पे थोड़ा थोड़ा फील होगा इसका वाइब्रेशन, नहीं तो ऑल एंड ऑल इसके पहले जो भी बाइक थी उसमें इससे कंपेटिवली ज़्यादा होता था, बट इसमें कम है। और इसका आगे का लुक आप लोग देख सकते हैं, इसका जो आगे का लुक है कितना ज़्यादा रोड प्रेजेंस और कितना ज़्यादा आई कैची है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे भी आपको TVS की बैजिंग मिलेगी, और ये रेडर का एक कुछ आर टाइप का लोगो। इंडिकेटर में ये लोग हाइलोजन बल्ब यूज़ किए हैं, और ये फुल LED हेडलैम्प विद DRLs, और ये प्योर नेकेड लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं NS की, तो जहाँ NS का मडगार्ड आप लोग देखेंगे, तो इसमें तो फाइबर फिनिश है, और इसमें देख सकते हैं आप लोग कुछ कार्बन फाइबर का फिनिशिंग आप लोग को देख सकते हैं। अभी तो ये थोड़ा गंदा हुआ है, ये इग्नोर कर दीजिएगा। और इसमें भी जो इसका जो डिस्क है वो भी 240 mm का है, और ये रिफ्लेक्टर कुछ यहाँ पे। और NS का जो कार्बोरेटर है वो इकोनॉमिकली ट्यून्ड है। इसका भी एग्जॉस्ट नोट आप लोग को सुना देते हैं, और इसका भी मीटर कंसोल जो वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मीटर है वो सेमी डिजिटल है, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और वैसे ये, और ये भी BS6 है।
और जो मतलब थोड़ा जो हट किया है वो TFT डिस्प्ले 125 सीसी में वो राइडर वालों TVS वालों ने यूज़ किया है राइडर में। और इसका मैं आप लोग को एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। ऑफ कोर्स उससे थोड़ा बेसी आवाज़ है इसका भी, मतलब इससे थोड़ा लाउड भी है। और बात कर लीजिए इसके लुक की, तो मुझे पर्सनली NS का लुक नेकेड स्ट्रीट फाइटर में बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग देख सकते हैं सामने से ये दोनों को, और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब ये मस्कुलर लुक है इसका। और वैसे भी ये भी बहुत अच्छा है इसका भी लुक, आप लोग देखिए सामने से। और गाइस कम्यूटिंग सेगमेंट में ये इसमें जो बहुत इक्विप्ड बाइक है सब तरीके से। और गाइस इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 124.8 सीसी है, और इसका जो टॉर्क है वो 11.2 पीएस एट 6000 आरपीएम है, और इसका जो पार है वो 11.38 पीएस है एट 7500 आरपीएम पे। तो कम्यूटिंग सेगमेंट में आप अगर दूसरे से कंपेयर करेंगे तो मैं चला के बताऊँगा उसको आगे और कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है कंपेयर करके। और साथ में मेरे साथ शाइन भी है, तीनों का लुक एक बार देख सकते हैं। अब मैं अगर पर्सनली अपना आप लोग पूछेंगे कि मेरा रिव्यू, तो मैं अपना पर्सनली रिव्यू बताऊं कि लुक वाइज NS जो है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जो DRL हेडलैम्प इसका है और जो इसका TFT डिस्प्ले है इसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और शानदार बना देता है। दोनों का जो रेयर सस्पेंशन, दोनों में ही मोनोसॉक सस्पेंशन आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये जो TVS का रेडर है 3 वेल्व का है, 2 इनटेक और 1 एग्जॉस्ट का। तीनों बाइक आप लोग देख सकते हैं कि लुक वाइज कैसी लग रही है, आप लोग अपने से जज करके मुझे बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है। और गाइज वहीं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का है, और आपको कहीं भी बिल्कुल ऐसा कोई फील नहीं होने वाला कि आपका नीचे का पोर्शन आप कहीं भी मतलब टच होगा या एकदम फ्रीली चला सकते हैं। और ये FI इंजन है, ETFI इको थ्रस्ट, तो ये इसका जो FI है वो इकोनॉमिकली ट्यून्ड रहता है और आपको बहुत अच्छा ये माइलेज प्रोवाइड करेगा। और इसका माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 67 KMPL का है, बट इस पे अब ये तो कंपनी क्लेम करती है तो वो बात का बात है, जब हम लोग चेक करेंगे तो बताएंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे TVS का ये देखिए बैजिंग, यहाँ पे 3D लोगो, और इसका जो सीट कुशन है वो भी बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट ये ब्रॉड भी, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ से ये बहुत ब्रॉड है। और ये इसमें एक चीज़ और मैं आप लोग को दिखा दूँ, इसका जो रेयर सीट है वो भी देखिए बहुत ब्रॉड है, बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आप लोग को। और यहाँ पे आप लोग को TVS की बैजिंग, और यहाँ पे ये फिनिश, ये भी बहुत अच्छा है सब कुछ। और गाइस जो इसका टैंक है वो 10 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, और वहीं पे NS का जो टैंक है वो 12 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। NS का जो टॉर्क है वो है 11 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM, डिस्प्लेसमेंट है 124.45 cc, इसका जो पावर है वो है 11.99 एट 8500 RPM। तीनों 5 गियर बॉक्स के साथ आते हैं। अब ये जो इसका LED हेडलैम्प सेटअप है ये आगे से बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा आई कैची लग रहा है। और गाइस तीनों बाइक्स का जो टायर है वो ट्यूबलेस है। तो गाइस अभी मैं चला रहा हूँ पल्सर 125 और हर्षित चला रहा है TVS राइडर, तो चलिए एक छोटा सा परफॉर्म कर लेते हैं तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कौन से कितनी फास्ट है। तो चलिए एक बार ड्रैग परफॉर्म कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस कि NS तो थोड़ा सा PS पावर इसका ज़्यादा है और थोड़ा सा टॉर्क भी ज़्यादा है उससे, तो थोड़ा सा फास्ट है, उड़ जा रही जल्दी। और अब मैं चलाता हूँ TVS राइडर और ये हर्षित को दे देता हूँ राइडर, एक बार स्विच कर लेते हैं हम लोग। आओ इधर आओ, देखिए ये कितने तक, ये इसका RPM आप लोग देखिए 9000 RPM तक रेस कर रही है। चलिए
हो सकता है हर्षित सही से लॉन्च ना कर पाया हो। चलो फिर से एक बार दे दें आओ। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वैसे ये भी, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस जैसा मैंने बताया था कि बहुत अच्छा है। भाई सही से लॉन्च नहीं कर पा रहे हो तुम। टीवीएस राइडर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और थैंक्स टू भैया, क्या नाम भैया आपका? नितेश। ये हमें बाइक प्रोवाइड किए हैं बनारस टीवीएस से, और थैंक्स मैं इनको कहना चाहूँगा। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।